था, जैसे टाइम्स मैगजीन ने आपको सम्मान दिया कि भारत के अंदर 137 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति है जो उभरता हुआ नेता है, जो अपने काम को भविष्य को आकार दे रहा है, तो लोगों के लिए गौरव की बात थी कि भाई हमें अवसर मिला। लेकिन मेरे लिए ये एक तरह का ना चैलेंज हो गया कि भाई टाइम्स मैगजीन ने तो लिख दिया, अब उस चैलेंज को पूरा कौन करेगा, अब उस चैलेंज को हमें पूरा करना पड़ेगा। और देखो ये अवसर है, मैं इतिहास याद दिलाता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जब इस आंदोलन को चलाने आए तो ये सहारनपुर की धरती जिसपे हम खड़े हैं ना, यहाँ उतरने नहीं दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, यहाँ के लोगों ने काले झंडे दिखाए, पत्थर मारे, रोते हुए गए बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से। जब मैं भी नहीं था, बहुत छोटा सा रहा या कहीं गोद वोद में या नहीं भी हुआ, तब मान्यवर काशीराम साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, पुराने लोग जानते हैं, ये जंदेड़े वाले नकली राम जी थे जिन्होंने उनको हराया, तब भी हम लोग नहीं थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को उनके जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब चलाने के लिए आए थे ना, तो सब लोग उनको कहते थे, क्योंकि हमारे लोग उस समय कांग्रेस को वोट देते थे, तो उनको कहते हैं CIA के एजेंट, ये CIA के एजेंट है और ये जो है या कांग्रेस से हमारे लोग फूट जाए इसलिए आए। अब ये एक वो आर्य जो वहां खड़ा है ना, आवाज आ रही है, बेटा पूछूंगा जो बोला है, और अगर तूने नहीं बताया तो तेरी चमड़ी तारूंगा, याद रखना, जिम्मेदारी अपनी जगह है। एक और जिम्मेदार दी है, नगर अध्यक्ष का पद आज छोड़ दे अगर जिम्मेदारी नहीं है वो, समझ आई? ये चश्मा लगाना, नीला पटका डालना, इससे नहीं चलता आंदोलन। आंदोलन चलता है ईमानदारी से, आंदोलन चलता है सीखने से, संघर्ष करने से, संकल्प लेने से और त्याग करने से, समझ गया? मैं बहुत सारे चेहरे ऐसे जिनको नाम से जानता हूं यहाँ, तो मैं जो बात कह रहा था ना वो ये थी कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, बाबा साहब चले गए तो मान्यवर काशीराम साहब ने प्रयास किया सुधारने का, RPI में तमाम तरह के प्रयास किए, वो लोग उनको नकारते रहे हमेशा, और जब RPI के आंदोलन को वो नहीं संभाल पाए, नहीं उसमें कुछ कर पाए, तो उन्होंने यहाँ के अपना आंदोलन खड़ा किया, पहले बामसेम के माध्यम से, फिर DH4 के माध्यम से, फिर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। तो जब हम B12 का आंदोलन चला रहे थे तब भी हमने अपनी मेहनत से लड़ा आंदोलन, और एक राजनीतिक दल को सपोर्ट भी किया, वोट भी दिया, आप सब तमाम लोग गवाह हैं। बताओ 2017 में किसे वोट दिया था, एक आदमी बताओ 2017 में, कोई एक आदमी बताओ कि बसपा के खिलाफ किसी को वोट दिया था क्या? आज तो बहुत आराम से कहते हैं लोग कि भाई एजेंट है, अरे हम ही तो थे वो जिन्होंने अपने खून से सींचे। जब रैली नहीं होती थी बसपा के लोगों, तो हमारे पास आ कहते थे, याद है ना वो दिन 2017 का विधानसभा चुनाव कि रैली करवा दो, 1.5 लाख लड़के गए थे, ठीक है, लेकिन हम नेताओं की नजरों में इसलिए चुप गए हैं सर क्योंकि हम अपने लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि बाबा साहब सफल जितना कर सकते थे कर गए, काशीराम साहब जितना कर गए कर गए, बाकी आंदोलन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और देखो ये नहीं बता जीवन कितने दिन का है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस आंदोलन को क्यों चला रहे हैं। अगर विधायक MP बनना हो बताओ कोई बड़ा काम है क्या? अपने मन से सोच के बताओ कि विधायक MP अगर बनना हो तो बड़ा काम है? किसी दल में चला जाओ बना देगा, बताओ बनाएगा नहीं बनाएगा? अभी भी गठबंधन की बातें चल रही है तो वो हमें बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं, तो गठबंधन क्या बताओ विधायक बनना मेरे लिए मुश्किल है? नहीं जी, अगर यही बिकने वाली होती तो कह रहा ना उपचुनाव आप लोग गवाह हो या ना हो, जब 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे कि रासू को हटा देंगे तब नहीं वो हुए, ठीक है। कैराना मगर हम उनके खिलाफ जाके लड़े कि कैराना हम जीतेंगे और बीजेपी को हराएंगे, बताओ लड़े नहीं लड़े? तो हमने प्रयास किया कि वो आंदोलन चले और हमने प्रयास किया उसमें सुधार हो और एकजुट हो जाए। लेकिन अब ये आप जो है ना अपने मन में ये भी सपना बनाओ कि अब हमें बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब का जो अधूरा आंदोलन उसको पूरा करना है, और ये किसी के बपोती नहीं होती कि राजा का बेटा राजा बनेगा या जो है अध्यापक का बेटा अध्यापक बनेगा, ये तो मैंने जो करेगा वो बनेगा। जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं जहां जहां से आए, मैं आपसे ईमानदार से कह रहा हूं कि अगर आप ये मन में सोच लो सवाल कि हम इस आंदोलन क्यों चला रहे हैं, ये राजनीतिक दल थोड़ा ये तो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम से चलाते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें हमने लाइन खींच दी कि हम 15 बनाम 85 का आंदोलन चलाएंगे। फिर ये आंदोलन हम किसके लिए चला रहे हैं भाई? अगर मेरा व्यक्तिगत परिवार की बात है, क्या मैं भूखा मर रहा हूं? पहले मोटरसाइकिल पे आता था आप लोगों के बीच में, अब गाड़ी से आता हूं, भूखा तो नहीं मर रहा हूं ना, रोटी तो कमा के भी खा सकता हूं, मैंने मजदूरी करके, किसी को सुझाव देके किसी के साथ खड़े होकर भी रोटी कमा सकता हूं, अध्यक्ष जी भी कमा सकते हैं,
तो ये आंदोलन किसके लिए चला रहे हैं? समाज के लिए। पहला क्यों चला रहे हैं, दूसरा किसके लिए चला रहे हैं, और तीसरा ये आंदोलन सफल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर ये तीन सवाल आप अपने आप से कर ले तो आपको सारा रास्ता पता लग जाएगा, क्योंकि अंबेडकरवादी कहना अंबेडकरवादी होने में बड़ा फर्क है। अगर आपने अपने जीवन में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर और माननीय काशीराम साहब को नहीं पढ़ा तो मैं लिख के देता हूं कि आप कभी आंदोलन को समझ नहीं पाओगे। एक बार आंदोलन को समझ देखो। अच्छा, मैं किसी की बुराई नहीं कहता करता, मगर तुम कैमरे बंद करो, मेरा एक सवाल है आप लोगों से।